अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से आप अपना खुद का एक यूके का अकाउंट टिकटॉक का बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि यूएसए से बेस्ट है यूके का अकाउंट, क्योंकि यूके से आप डायरेक्ट जो है अमाउंट पियोनियर के थ्रू निकलवा सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके के साथ। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है नॉर्ड वीपीएन। आप कोई भी और वीपीएन यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे नॉर्ड वीपीएन यूज़ कर रहे हैं। ये नॉर्ड वीपीएन पहले ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन शो हो रहा है आपके सामने। ठीक है, आपने इसके बाद इसको इंस्टॉल करने के बाद वापस आ जाना है और वीपीएन को ओपन कर लेना है। जिस तरह आप नॉर्ड वीपीएन को ओपन करेंगे, आपने यहाँ पे क्या नाम है कि ऊपर की तरफ स्क्रोल करना है, आपको यहाँ पर फिर नीचे कंट्रीज शो होंगी। आपने इन कंट्रीज में से यूके वाली जो कंट्री होगी आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके इसको आपने कनेक्ट कर देना है। इस तरह कनेक्ट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आप ये यूनाइटेड किंगडम में ये हमारा जो वीपीएन है, हमारा जो लोकेशन है वो कनेक्ट हो चुकी है। अब चेक करने के लिए अब हमने क्या करना है जी, वीपीएन को कनेक्ट करने के बाद आपने उसके बाद क्या नाम है कि जाना है आपके पास कोई ब्राउज़र, हम फायरफॉक्स ब्राउज़र यूज़ करेंगे। आपने इसके ऊपर आना है, यहाँ पे भी अपनी आप सबसे पहले लोकेशन चेक करेंगे आपकी लोकेशन कौन सी आ रही है। ठीक है, सिंपल माय लोकेशन पर क्लिक करें, ये देखिए आपके पास जो सिंपल लोकेशन आपको शो कर रहा है वो लंदन शो कर रहा है, समझो कि यूके शो कर रहा है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिखना है टिकटॉक लॉगिन, हम टिकटॉक लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो सबसे पहले आपको जो लिंक जैसा साइट नज़र आएगी यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम आपके यहाँ पे आप टिकटॉक को लॉगिन करेंगे हम सिंपल। ठीक है, आपके सामने ये शो होगा, आपने इसको नोट नाउ कर देना है और इस पे क्लिक करके साइड पे आपने इसको डेस्कटॉप जो साइट है इसको आपने ओपन कर देना है इस तरीके से। अब हमने जो टिकटॉक को लॉगिन करना है वो हमने सिंपल लॉगिन करना है ईमेल के थ्रू। सेकंड स्टेप जो आ रहा है यहाँ पे ईमेल के थ्रू, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना अकाउंट बनाएंगे टिकटॉक का, तो पहले हम करेंगे साइनअप। तो साइनअप करने के लिए यहाँ पे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे निशान नज़र आएगा साइनअप का, आपने इस बटन पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे साइनअप क्लिक करेंगे अब वो कह रहा है कि आपने टिकटॉक पे जो साइनअप करना है किसके थ्रू करना है। हमने थ्रू करना है सबसे पहले यूज़ फ़ोन और ईमेल, क्योंकि हमने लॉगिन भी ईमेल के थ्रू करना है और इसलिए हम इसको पहले भी ईमेल के थ्रू अकाउंट इसका हम बनाएंगे। सिंपल आप ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरीके से। जैसे इस तरह आपने क्लिक किया तो आपके सामने शो कर रहा है कि आपने सबसे पहले ऊपर डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड करनी है, मंथ यहाँ पर ऐड करने, यहाँ पर अपना दिन ऐड करने, यहाँ पर अपने साल ऐड करने, आपने अपने यहाँ पे वो ऐड करने जो आपकी खुद की जो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। हम यहाँ पे रेंडम पे फिलहाल कोई भी डेट ऑफ बर्थ रेंडम डाल रहे हैं ताकि क्या नाम है कि हम आपको सिखा सकें अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कोई भी रेंडम डाल दिए। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको साइनअप विद ईमेल करना है। यहाँ पर देखिए साइड पर आपको लिखा शो होगा साइनअप विद ईमेल, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो हमने हमारे पास एक ईमेल है जो हमने बनाई है पहले, उस क्या नाम है कि उसकी आउटलुक की हमने ईमेल बनाई है। सिंपल आपने आउटलुक की ईमेल को क्या नाम है कि इस पे लगाएंगे। आप कोई भी ईमेल यूज़ कर सकते हैं, क्या नाम है कि जीमेल आप यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी मेल आप पास जो मनी होगी आपने वो मेल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी, लेकिन मेल वो होनी चाहिए जो आपके पहले टिकटॉक पे ना बनी हो, फ्रेश ईमेल हो उस पे आपने टिकटॉक बनानी है। इसके बाद जहाँ हम अपना कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड लगा दिया। अब पासवर्ड लगाने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको बटन नज़र आएगा सेंड नाउ, क्योंकि हमने कोड अब लेना है जिसके ज़रिए हमारी टिकटॉक बन सके। आपने सिंपल यहाँ पर सेंड नाउ बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड नाउ पे क्लिक करेंगे अब जो हमारे ये ईमेल लगी हुई है इस ईमेल के ऊपर अब कोड आएगा,
टिकटॉक की तरफ से। अब सिंपल हम अपनी ईमेल में जाते हैं और यहाँ पे हमारा जो इनबॉक्स होगा उसमें हम देखेंगे कि हमें टिकटॉक की तरफ से कौन सी मेल आई है। जी ये देखिए हमें टिकटॉक की तरफ से मेल मशहूर हो चुकी है। हमारा जो वेरिफिकेशन कोड है आपके सामने, हम ये वहाँ पर जाके लगाएंगे। जी हमने ये हमारा जो कोड है हमने सिंपल यहाँ पे वो लगा दिया। कोड लगाने के बाद जो सबसे नीचे आपको नेक्स्ट बटन शो हो रहा है आपने सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे आप अकाउंट क्रिएट हो चुका है यूके का। अब आपने सिंपल यहाँ पे इसको स्किप कर देना है। ठीक है ये आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। अब हमने चेक ये करना है कि हमारा वाकई टिकटॉक अकाउंट बन चुका है यूके का या नहीं। इसका हाल ये है कि हम जाएंगे वापस बैक टिकटॉक पे, टिकटॉक पे क्लिक करेंगे टिकटॉक की ऐप के ऊपर और प्रोफाइल पे चले जाएंगे। जैसे प्रोफाइल पे जाएंगे वो कह रहे हैं कि इसको आप यूज़ करें, लॉगिन करें। हम जो आप हमने वहाँ पे ईमेल लगाई थी वही हमने ईमेल अब यहाँ पे लगानी है आउटलुक वाली। ठीक है दो हमने यहाँ पे ईमेल लगा के इसको सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सिंपल हम कंटिन्यू पे इस तरीके से क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये अगेन जो है क्या नाम है कि कोड हमारी मेल के ऊपर आएगा। वो कह रहे हैं आप कोड के थ्रू भी कर सकते हैं और लॉगिन विद पासवर्ड। अभी आप बस कोड नहीं आ रहा, जो आपने पासवर्ड अपने टिकटॉक का रखा था वो भी लगा के उसका भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोड लगाया और लगाने के बाद सिंपल हमारी जो जो टिकटॉक है जो हमने यूके की बनाई तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगी डायरेक्टली। देखिए जैसे लॉगिन हुई है आपने सिंपल यहाँ पे इसको प्रोफाइल पे क्लिक करना है और ऊपर आपको 3 लाइंस शो हो रही होंगी। ठीक है इस तरफ देखिए इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे शो होगा क्रिएटर टूल्स पहले नंबर पे, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें कि ये मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन ऑन हो चुका है कि यहाँ ये जो आपका अकाउंट है ये मोनेटाइज हो सकता है। अब इसको मज़ीद चेक करने के लिए आपने क्या करना है, ये साथ में आपको लिखा आ रहा है क्रिएटिव रिवार्ड प्रोग्राम, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट आपके सामने जब शो कर देगा कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखें कि 1 मिनट प्लस वीडियो आपने अपलोड करनी है, आपको क्या नाम है कि 10,000 फॉलोअर चाहिए, 1 लाख आपको व्यूज़ चाहिए, जो आपने अपने रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए इसको मोनेटाइज करवा सकते हैं। हमारे सामने यूके का फ्रेश टिकटॉक अकाउंट रेडी हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। आप भी अपना इस तरीके से आसानी के साथ अकाउंट एक बना सकते हैं।